हाय गाइस, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दिवाली की बची हुई सारी चीजें लगभग खत्म हो चुकी हैं, मीठा खत्म हो चुका है, मठरियां खत्म हो चुकी हैं और अब मन है कुछ टेस्टी सा और बहुत चटपटा खाने का। तो आज मैं आपके लोगों के साथ एक ऐसी ही रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे मैं मिर्चों के साथ बनाऊंगी। जी हाँ, ये तीखी सी मिर्ची जब और तीखी हो जाएंगी तो आपके खाने के स्वाद को 100 गुना बढ़ा देगी और बनाने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगेगा और इसको आप एक हफ्ते तक रखकर आराम से खा सकते हैं। उम्मीद है रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड फैमिली में शेयर कर दें। चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही जो घंटी का निशान है उसे भी प्रेस करें, फायदा ही होगा, वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए बहुत ही झटपट से 5 मिनट में बनने वाली और एक हफ्ते तक चलने वाली इन मिर्चों को बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसे बनाने के लिए मैंने ये 250 ग्राम हरी मिर्ची ले ली है। सबसे पहले मिर्चों को बिल्कुल अच्छे से धो लिया और उसके बाद साफ सूती कपड़े से मैंने इन्हें पोंछ लिया है। मिर्चों पे बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, इस बात का आप जरूर से ध्यान रखें। नॉर्मली जब हम कोई हरी मिर्च की सब्जी बनाती हैं या शिमला मिर्च की सब्जी बनाती हैं, सबसे पहले हम उसका डंठल कट करते हैं, लेकिन इसमें हम इसका डंठल कट नहीं करेंगे। बस इस तरीके से मिर्ची लेंगे, नाइफ लेंगे और इसमें एक लंबा चीरा लगा देंगे, मिर्च अलग नहीं होनी चाहिए। बस इस तरीके से एक और करके दिखा देती हूँ। नाइफ लिया, मिर्च ली, इन वाली मिर्चों में काफी सारा स्पेस होता है, यानी इसमें आप जो भी मसाला भरना चाहते हैं बहुत आराम से भर सकते हैं और काफी सारा भर जाता है। मैंने इस रेसिपी को बनाने के लिए लंबी वाली मिर्चों का यूज किया है। आप इसी में एक छोटी छोटी मिर्ची आती है जो शिमला मिर्च तो नहीं होती लेकिन बस इससे साइज में थोड़ी सी छोटी और मोटी होती हैं, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं और वो भी बनाने के बाद खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। सभी मिर्चें चीरा लगकर तैयार हो चुकी हैं, थोड़ी सी देर के लिए और हवा लगा देते हैं। जितने हम इसकी बाकी की तैयारी करेंगे, हरी मिर्च, प्याज और अदरक तीनों चीजें अच्छे से चॉप हो चुकी हैं। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं स्किप कर दीजिए, अगर लहसुन नहीं खाते हैं स्किप कर दीजिए, और बिना प्याज लहसुन के भी ये बहुत ही अच्छी सी बनके तैयार होगी, खाने में काफी टेस्टी होंगी। क्योंकि इन हरी मिर्चों का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है आलू, और आलू तो सभी को पसंद होता है, स्पेशली मुझे तो आलू बहुत ही ज्यादा पसंद है। बस आलू को छोटा छोटा तोड़ लेते हैं, आलू को बारीक सा तोड़ लिया है और इसके अंदर कोई ज्यादा मोटा टुकड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा मोटे टुकड़े हैं तो आप उसे अच्छे से मैश जरूर कर ले। और अब बारी है मसाले को तैयार करने की, उसके लिए गैस ऑन करके उसके ऊपर एक कढ़ाई रख दिया है और कढ़ाई में हम डाल देंगे करीब 1.5 टेबल स्पून सरसों का तेल। आप इसकी जगह मूंगफली का तेल डाल सकते हैं या कोई भी नॉर्मल कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं जिसमें आपको अचार पसंद हो। सरसों का तेल स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म हो चुका है, एक बार गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और तेल को हल्का सा कूल डाउन होने देते हैं। सरसों का तेल हल्का सा ठंडा हो चुका है, गैस का फ्लेम वापस से ऑन कर देंगे और इस गरम तेल में हम डालेंगे 1 टीस्पून राई और 1/2 टीस्पून जीरा। जीरा थोड़ा सा कम डालें, राई थोड़ी सी ज्यादा, उससे ज्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। राई और जीरा अच्छे से चटकने देते हैं। राई और जीरा अच्छे से चटका, अब हम इसमें डाल देंगे ये चॉप करी हुई लहसुन, और जैसे ही लहसुन का कच्चापन दूर होता है उसके अंदर डाल देंगे अदरक और हरी मिर्चें। कटा हुआ प्याज, प्याज को करीब 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे जिससे प्याज अच्छे से भून जाएगी, क्योंकि हम जो सब्जी बना रहे हैं वो अचार की तरह बना रहे हैं और इसे हम करीब 6 से 7 दिन तक रखना चाहते हैं। तो आप मसाले को बिल्कुल ही अच्छे से भूने जिससे वो खराब ना हो। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून से भी कुछ कम हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्चें, आप चाहें तो मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं, दरदरी सौंफ 1 टेबल स्पून जितना डालेंगे, सूखा धनिया पाउडर, और आप देख सकते हैं मसाला काफी अच्छा भून रहा है। अब डालेंगे नमक, नमक एकदम लास्ट में डालेंगे, टेस्ट के हिसाब से नमक डालने के बाद में मसाला आप देखेंगे बिल्कुल अच्छा भून चुका है। और अब डाल देंगे वो आलू जिसे हमने उबालकर और इस तरीके से छोटे टुकड़ों में काट कर रखा था,
अच्छे से मैश करते हुए मसाले और आलूओं को, और हम 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। और भूनने में आप समय थोड़ा सा ज्यादा लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आलू अच्छे से भुने और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। इससे जो हमारी ये मिर्चें बनेंगी बहुत ही अच्छी बनेंगी और इनमें एक अलग सी और बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। आलू के मसाले को आप उस तरीके से भूनिए जैसे कि हम हलवे के लिए आलू भूनते हैं। आलू के मसाले को मैंने करीब 5 से 6 मिनट तक भूना है और बहुत ही अच्छा मसाला भून चुका है। और इस मसाले में से मसाले की काफी अच्छी सी खुशबू आ रही है। बस अब गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। मसाला अच्छे से ठंडा हुआ और उसके बाद एक एक मिर्ची लेंगे जिसे हमने पहले ही चीर के रखा था, और मसाला लेते जाएंगे। अच्छा सा हाथों से इस तरीके से दबा लेंगे जिससे मसाला अच्छे से और खूब सारा फिल हो जाए, क्योंकि इन मिर्चों में जो असली टेस्ट है वो मसाले का ही है। अच्छे से प्रेस कर देंगे, थोड़ा सा मसाला और डाल देते हैं। एक मिर्च हमारी भरकर तैयार हो गई है, एक और भर लेते हैं। और इसी तरीके से मैंने ये कुछ मिर्चें बनाकर तैयार कर ली हैं। मिर्चें फिल करने के बाद में अब बारी है मिर्चों को बनाने की। उसके लिए गैस ऑन करिए और उसके ऊपर एक पैन रख दिया है। पैन में हम डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा सरसों का तेल। मैंने करीब 1 टीस्पून जितना सरसों का तेल डाल दिया है। सरसों का तेल स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म है। एक बार गैस का फ्लेम ऑफ किया और तैयार भरी हुई मिर्चों को हम इस तरीके से इसमें सेट कर देंगे। अब गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं और फ्लेम को एकदम लो रखेंगे, ना मीडियम ना हाई। लो फ्लेम पर ही हम मिर्चों को बनाएंगे क्योंकि हम इसमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पैन को कवर कर देंगे और 3 से 4 मिनट तक इसी तरीके से रहने देंगे। लो फ्लेम पर मिर्चों को पकते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। 80% मिर्चें कुक भी हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि ऊपर से देखने में काफी सॉफ्ट सी लगने लगी हैं। एक बार टर्न कर देंगे और जो मिर्चें आपको लग रहा है कि नहीं पकी हैं, आप उसे नीचे तली की तरफ लगा दीजिए जिससे वो भी अच्छे से पक पाएंगी। लो फ्लेम पर अभी और 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, मिर्ची हमारी पककर तैयार हो गई हैं। ये जो मिर्ची होती है बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं होती है, हल्का सा क्रंच रहता है और वही इन मिर्चों में बहुत खाने में अच्छा लगता है। कुछ नई तरीके से आलू भरी ये लाजवाब मिर्चें बनकर तैयार हो गई हैं। जब कभी दाल सब्जी बनाने का मूड ना हो आप ये मिर्चें बनाइए, 8 से 10 दिन तक रखकर खाइए, पर फ्रीज में रखिए। उम्मीद है रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, इसलिए कमेंट बॉक्स आपके प्यारे प्यारे से कमेंटों का इंतजार कर रहा है। मात्र 5 से 7 मिनट में बनी हुई हमारी ये टेस्टी मिर्चें बनकर तैयार है। इन्हें आप किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चाहे आपने दाल बनाई हो या सब्जी बनाई हो या कई बार आपने कुछ भी ना बनाया हो, तो सिर्फ इन मिर्चों के साथ आप पराठे खाइए, बहुत ही मजा आएगा। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड फ्रेंड में शेयर कर दें। चैनल पर नए मेहमान हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें। थैंक यू।